नमस्कार दोस्तों, माँ डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपकी कमेंट के आधार पर, आपकी कमेंटों के अनुसार आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो यूपीटेट एडिटिंग के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एडिट जो है एप्लीकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और क्या शेड्यूल्स रहेगा यूपीटेट का, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा और आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपका जो प्यार है हमें सब्सक्राइब और लाइक के रूप में प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ज्यादा समय ना लेते हो, सीधे आपको ले चलता हूँ लाइव यूपी टेट की वेबसाइट पर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको विदित है, और यूपी टेट का जो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो उसका वीडियो मैं पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ। साथ ही आपको पता है जो फॉर्म अब क्यू आर भरे जा रहे हैं updla.gov.in से भरे जा रहे हैं, इस पोर्टल से भरे जा रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे ओपन करोगे तो ये दिख रहा है आपको यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट। यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे वो सॉरी उस पर कर्सर लेकर के जाओगे और ऊपर दिखेगा नीचे यूपी टेट, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन यूपी टेट रजिस्ट्रेशन और एक्टिविटी यूजर एक्टिविटीज, यहाँ दिखेंगे रजिस्ट्रेशन यूजर एक्टिविटीज दिखेंगी, और यहाँ आपको गाइडलाइंस दिखेंगी, और यहाँ पर आपको जो है जानकारी लिखेगी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, और साथ ही आपको यहाँ शेड्यूल भी दिखेगा। यहाँ पर आपको शेड्यूल दिखेगा और सब बाकी सब जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूपीटेट फुल शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है नया ऑप्शन आ जाएगा जो पीडीएफ के रूप में आपको दिखेगा। यहाँ पर एक जो पीडीएफ आया है, इस पीडीएफ में आपको शेड्यूल दिखाया गया है। यहाँ से जो विज्ञापन का प्रकाशन 31/10/2019 को हुआ था, ऑनलाइन आवेदन की रजिस्ट्रेशन तिथि जो 1/11/2019 से प्रारंभ हो गई थी, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20/11/2019, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21/11/2019 थी 19 है, और आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने के लिए 22/11/2019 है। परीक्षा केंद्रों की निर्धारित हेतु जनपद पंचायत जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्रबंधक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रशिक्षित करने की तिथि 22/11 है। इस प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके से जो नीचे आओगे आपको यहाँ पर कहीं भी आपको एडिटिंग का जो है शेड्यूल नहीं दिखा रहा, यहाँ पर कहीं भी एडिट करने के लिए आपको नए दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इस फॉर्म में आप एडिट नहीं कर पाओगे, चाहो तो आप अगर पेमेंट नहीं किया है तो दोबारा से फॉर्म फिल करके पेमेंट कर सकते हो, बाकी एडिट नहीं हो पाएगा, इसमें एडिट का कहीं ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसा कि मेरी बात भी हुई थी तो उन लोगों का भी यही कहना है कि अभी इसमें एडिट ऑप्शन नहीं है, फॉर्म संभलता सफल सही संभल कर भरें, सही तरीके से जानकारी पूरी चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें, तो ये सब जानकारी इसमें थी। साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एडिटिंग का ऑप्शन अगर अवेलेबल होता है नेक्स्ट टाइम जब भी आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाने के कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर यूपी परीक्षा नियामक प्रबंधक के हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, इन आईडियो पर मेल भी कर सकते हैं अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए। आपको वहाँ से कॉल या आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, आपको जानकारी बता दी जाएगी। और एडिटिंग से रिलेटेड अभी कोई ऐसा शेड्यूल नहीं आया है कि एडिट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी कमेंट्स आ रही थी तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा और आपको बताने की कोशिश की। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी कोई जानकारी आती है डीएलएड सॉरी यूपीटेट से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी आती है एडिटिंग से रिलेटेड, मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी पूरी सही सही और सही जानकारी देने की कोशिश करूं। साथ ही आपसे विदा चाहता हूं, आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।